इधर देखिए मैम, आपने कन्या भोज किया है यहाँ पे चौक में, अपने परिचय के साथ बताइए क्या कार्यक्रम था और लगभग कितने लोग उपस्थित रहे और क्या कार्यक्रम था। मेरा नाम एकता श्रीवास्तव है और हम तो जो है मेरा यहाँ पे पीऊपर सलून भी है और हम यहाँ पे हर साल नवरात्रि के उस पर गरीब बच्चों को जो इधर उधर घूमते रहते हैं उनको बुला के हम उन्हीं को कन्या खिलाते हैं हमेशा, क्योंकि और सबके तो पेट भरे रहते हैं। इन लोग का ये है कि ये लोग मांग मांग के खाते, तो इनको हम अच्छे से यहाँ बुलाते हैं, इनको बैठाते हैं और खाना पीना खिलाते हैं और उसी को आज हमने एक भंडारे के रूप में दे के अपनी संस्था की तरफ से और लोगों को भी खिलाएंगे और कन्याओं को भी खिलाएंगे। लगभग कितने वर्षों से ये आपका कार्यक्रम चल रहा है? ये हमारा 15 साल से चल रहा है। ये कैसे आपको सीख मिली कि इन लोगों को, इन्हीं लोगों को खिलाना चाहिए? नहीं, मेरे को सीख नहीं मिली, मुझे शुरू से इच्छा थी कि मैं ऐसे ही बच्चों के लिए कुछ करूं, ये है बस। तो क्या अगला कार्यक्रम देवी जी की कृपा है कि अगली कहीं और होगा? नहीं, मैं हमेशा यही करती हूं अपने आरोही कॉम्प्लेक्स के नीचे और हमेशा यही करूंगी। क्या रूरल क्षेत्रों में भी आपकी कमेटी जो है संस्था जाके अपने पदाधिकारियों के माध्यम से वहाँ भी इस प्रकार के? हाँ, वहाँ मैं सिखाने वगैरह का काम जो होता है बच्चों को, पार्लर वगैरह का और भी एजुकेशनल जितनी चीज़ें होती हैं वो सारा मैं करती हूँ। क्या संदेश देना चाहेंगी नवरात्र के पावन पर्व? नवरात्र की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसे ही चाहे रोज़ा हो, चाहे रमज़ान हो, चाहे नवरात्र हो, सब मिलके ही करते हैं और सब बहुत अच्छे से करते हैं और सबको बहुत अच्छा लगता है। मैं ऐसे ही कन्याओं को हमेशा खिलाती रहती हूँ। जी, एकता सेवा समिति की ओर से जो आज का कार्यक्रम हुआ, आपका विशेष सहयोग रहा उसमें, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके कार्यक्रम था? जी, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, जो कि हमारे ये गरीब बच्चे हैं इधर उधर भागते हैं तो हमारी संस्था द्वारा उनको भोजन का और प्रसाद के रूप में उनको बुला करके बैठा के भोजन कराए हैं। और साथ साथ मैं स्ट्रीट वेंडर वेलफेयर सोसाइटी से हूँ, मैं भी सहयोग में लगा रहता हूँ कि जो भी गरीब बच्चे हैं उनको भरण पोषण का सिस्टम बना रहे।